तुम्हें पता है डॉक्टर स्ट्रेंज की क्लोक को लुंगी बनाकर पहनने वाला और वंडर वुमन के लास्ट ऑफ ट्रूथ को दिवाली पे आरजीबी की लाइटिंग बना के सजाने वाला कौन है? डॉक्टर स्ट्रेंज के क्लोक को लुंगी बनाए, वंडर वुमन के चाबुक से लाइटिंग करता है। जी हाँ, आपने सही सुना, अपने इंडिया का इकलौता, नहीं इकलौता तो नहीं है, बहुत सारे हैं, तो अपने इंडिया का एक अपकमिंग सुपर हीरो जो कि प्रोबेबली एक बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव रखेगा, यानी कि अपना हनुमान। हाँ हाँ, वही जिसको प्रशांत वर्मा डायरेक्ट करने वाले हैं। अब प्रशांत वर्मा के सिनेमैटिक यूनिवर्स से दो मूवीज अनाउंस्ड हैं, एक हनुमान और दूसरी अधीरा। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस यूनिवर्स में इन दो सुपर हीरोज के अलावा चार और सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी प्लान्ड हैं। अब हां, मैं किसी थ्योरी लीक या रूमर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है क्योंकि उन लोगों ने अपने प्रमोशनल मटेरियल में ये हिंट दिया है। और इस वीडियो में अपन इसी बारे में डीपली डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। लेकिन उससे पहले मैं हूं अभी और आप देख रहे हो सिनेमा विद अभी। तो इस मूवी को पहले 2023 यानी कि इसी साल मई में रिलीज किया जाने वाला था, बट इसकी शूटिंग ही खत्म हुई अप्रैल में, और एक महीने के अंदर इसके पोस्ट प्रोडक्शन का काम खत्म करके उसे रिलीज करना मतलब आदि पुरुष को अवतार द वे ऑफ वाटर बनाना, मतलब वीएफएक्स वाले मामले में, बाकी वैसा तो कुछ फिट नहीं बैठेगा। तो इसीलिए इस मूवी को डिले कर दिया गया और अब ये मूवी 2024 यानी कि अगले साल जनवरी में रिलीज होने वाली है, यानी कि 12 तारीख को। तो काफी कम टाइम बचा हुआ है इस मूवी को रिलीज होने में, और इसीलिए इस मूवी के प्रमोशनल मटेरियल भी ड्रॉप होना शुरू हो गए हैं, जहां पर रिसेंटली एक सॉन्ग रिलीज हुआ जिसको तुमने स्टार्टिंग में सुना, और इसके अलावा एक और सॉन्ग आने वाला है जल्दी जिसको अनाउंस कर दिया गया है बट कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बताई है। लेकिन गानों के अलावा इस मूवी का एक टीजर भी आया था बहुत पहले, जो कि लोगों को काफी पसंद आया था क्योंकि आदि पुरुष के सदमे से लोग उभर रहे थे, और इतने कम बजट की मूवी में इतना कुछ देखने को मिल गया वो भी अच्छे तरीके से, तो लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। अब पिक्चर को अप्रिशिएट करेंगे या नहीं वो तो जनवरी में पता चलेगा। अब अगर अपन बात करें इस सॉन्ग की, अब इस सॉन्ग के लिटरल फर्स्ट शॉट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ कॉमिक पैनल्स पड़े दिखेंगे, जिनमें से एक तो है हनुमान का और एक है अधीरा का। इसके अलावा चार और कॉमिक पैनल्स हमें इस शॉट के अंदर दिख सकते हैं, जो कि प्रोबेबली इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेकर एक हिंट होगा। तो ये छह प्रोजेक्ट्स मिलकर प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 1 को कंप्लीट करेंगे। क्या प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स नाम अजीब लग रहा है? ये ऑफिशियल नाम है उनका, पहले फैंस उनको इस नाम से बुलाते थे और अब उन्होंने ये चीज ऑफिशियल कर दी है। इन्हीं कॉमिक पैनल्स के ऊपर तुम PVCU लिखा हुआ देख सकते हो, यानी कि प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स। बाकी अगर थोड़ा भी ध्यान से देखना चाहो इन कॉमिक पैनल्स को, अगर नहीं देखना चाहोगे फिर भी दिख जाएगा क्योंकि सामने ही पड़ा हुआ है। इन सभी कॉमिक पैनल्स के ऊपर एक QR कोड दिया हुआ है। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे पास खाली टाइम नहीं है इन QR कोड्स को स्कैन करने का, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए स्कैन करके देख लिया। इन सभी QR कोड को स्कैन करने के बाद तुम एक वीडियो पे जाओगे जो कि है हनुमान मूवी का टीजर, हाँ, जो कि पहले रिलीज हुआ था। अब अगर हम बात करें इन कॉमिक पैनल्स की, तो ऐसा ही कुछ हमें अक्रॉस द स्पाइडरवर्स और इनटू द स्पाइडरवर्स मूवीज के अंदर देखने को मिला था, जहां जब भी कोई स्पाइडरमैन का एक नया वेरिएंट या फिर कोई एक अलग स्पाइडरमैन देखने को मिलता है तो भाई स्क्रीन पे ऐसे चटाक से एक कॉमिक पैनल मारा जाता है जहां पर उसकी स्टोरी बताई जाती है, शॉर्ट में उसकी ऑरिजिन बताई जाती है। वैसे कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां पे भी इन लोगों ने यूज किया है, जहां सबसे मेन वाला जो कॉमिक पैनल है यानी कि द एडवेंचर्स ऑफ हनुमान, वो इसी मूवी के बारे में है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाजू वाला जो कॉमिक पैनल है वो अधीरा के कैरेक्टर को सिग्निफाई करता है, जिसका एक अनाउंसमेंट वीडियो या फिर कह सकते हैं फर्स्ट लुक वीडियो ऑलरेडी काफी टाइम पहले आ चुका है। एंड अगर अपन इस अपोजिट साइड के कॉमिक पैनल को देखें तो ये कैरेक्टर एक सन्यासी का कैरेक्टर लग रहा है। अब मेरी गट फीलिंग के अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर परशुराम से इंस्पायर्ड हो सकता है क्योंकि बॉडी लैंग्वेज वैसे ही कुछ लग रही है, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है अनब्रेकेबल ओथ, जो कि परशुराम से बहुत ज्यादा सिमिलर है। उनका कैरेक्टर ओवरऑल जहां तक हम लोगों ने स्क्रिप्चर्स में पढ़ा है वैसा ही कुछ है, जहां पर स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग पहले तो परशुराम शिव धनुष की रक्षा करते हैं और राम भगवान जब आके वो धनुष तोड़ देते हैं तब भाई थोड़ी वहां पे बहसबाजी होती है, राम भगवान उनसे माफी मांगते हैं, जिसके बाद परशुराम चले जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि परशुराम उन 7 संजीवनियों में से एक है जो कि अब वेट कर रहे हैं विष्णु भगवान के 10वें अवतार कल्कि के पृथ्वी पर रूप लेने का। तो अनब्रेकेबल ओथ उस चीज से काफी ज्यादा सिमिलर लगता है उनकी पूरी स्टोरी से, तो मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर शायद से परशुराम से इंस्पायर्ड हो सकता है। इसके बाद इस नेक्स्ट पैनल पे लिखा हुआ है रिवेंज ऑफ द अनडेड, जो कि प्रोबेबली इसकी स्टोरी को लेकर हिंट है कि भाई इसकी स्टोरी एक रिवेंज स्टोरी होगी। इस कैरेक्टर को देखकर कुछ खास आइडिया नहीं आता कि भाई ये कैरेक्टर है कौन या फिर कौन हो सकता है। इसके अलावा इस नेक्स्ट कॉमिक पैनल में हम देख सकते हैं कि भाई ये जो कैरेक्टर वो एक ईगल के सामने खड़ा हुआ है। अब इसको पहली बार देखा तो मुझे लगा कि भाई ये शायद कैरेक्टर गरुण देवता से इंस्पायर्ड हो, हालांकि अभी हम सिर्फ स्पेकुलेशंस लगा सकते हैं, ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट करना ज्यादा सही होगा क्योंकि स्पेकुलेशंस और थ्योरीज बनना तुम्हारे एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देगा। उसके अलावा जो लास्ट और छठवां कॉमिक पैनल है ये तो क्लियरली विजिबल भी नहीं है, तो इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। तो प्रोबेबली यही वो 6 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी के लिए प्लान्ड है PVCU के अंदर। अगर ये सारे सक्सेस हो जाते हैं और काफी अच्छा खासा इंपैक्ट बनाते हैं ऑडियंस के बीच में, तो शायद इसके आगे के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिल जाए, जहां पे भाई इनका क्रॉसओवर भी हो और फिर अपने को एक एंड गेम टाइप का इवेंट भी देखने को मिले इनके सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। अब इस सॉन्ग में आगे जाके तुम्हें मार्वल और डीसी दोनों के ऑलमोस्ट हर एक पॉपुलर कैरेक्टर का रोस्ट देखने को मिल जाएगा, जहां इस पूरे गाने के अंदर भाई इनकी पावर्स को रोस्ट किया जाता है, जो कि तुम अगर एक सच्चे सुपर हीरो फैन हो तो इसको काफी
अच्छे से एंजॉय करोगे। मैंने तो किया, मतलब अगर तुम रो भी रहे हो तो इस वीडियो को प्ले करो और इस वीडियो के एंड होते होते तुम हंस पड़ोगे। जहां अपना हनुमान आयरन मैन से अपने कपड़े प्रेस करवाता है और थॉर के हैमर से की ले ठोकता है। आयरन मैन से अपने कपड़े आयरन ओवरऑल काफी फनी सा सॉन्ग है, एक बहुत अच्छी वाइब कैरी करता है और तुम्हें मूवी को लेके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी छोड़ जाता है कि मूवी एक अच्छी खासी हिट हो सकती है। एंड आई जेन्युइनली होप कि हनुमान मूवी एक बहुत बड़ी सक्सेस हो, मतलब अगर बेकार बनाई है तो सक्सेस ना हो, पर अगर अच्छी बनाई और सक्सेस ना मिले तो वो एक बहुत बुरी बात है, तो वो चीज ना हो इस मूवी के साथ। और अगर ये मूवी हिट होती है तो भाई इनका सिनेमैटिक यूनिवर्स भी जल्दी एक्सपेंड करेगा, ज्यादा पैसे आएंगे इनके पास तो ये फ्यूचर प्लान भी जल्दी रिवील करेंगे और क्या पता आगे जाके हमें अस्त्रवर्स और पीवीसी के बीच में एक तगड़ा क्लैश देखने को मिल जाए जैसा कि मार्वल और डीसी में होता है। ज्यादा बोल दिया क्या? एनीवेज इस मूवी का सक्सेस होना बहुत जरूरी है क्योंकि अपने इंडिया के अंदर सुपर हीरो मूवीज बहुत कम बनती है और अपना एक सुपर हीरो है इंडिया का क्रिश, जिसको यहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं पर इंटरनेशनल ऑडियंस उसे नहीं जानती। तो इस मूवी के हिट होने से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा अपने इंडियन सुपर हीरो मूवी के जॉनर में। अब ऑल्दो प्रशांत वर्मा ने बहुत छोटे स्केल से स्टार्ट किया है, जहाँ उनकी पहली मूवी लिटरल एक गाँव के ऊपर बेस्ड होगी और इस पूरे गाँव के अंदर इनकी स्टोरी टेक प्लेस करेगी। सो आई होप कि दे मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट और हमें एक अच्छी मूवी देखने को मिले। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अभी एंड यू आर वाचिंग सिनेमा विद अभी।